रविवार दिन भर आमजन कहते रहे उफ यह उमस भरी गर्मी, लेकिन शाम 5 बजे से हुई करीब 1 घंटे बारिश ने फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत दे दी। पिछले कई दिनों से आमजन को उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा था। गर्मी ने रात की नींदें उड़ा दी थी। गर्मी रोकने में कूलर पंखे भी जवाब दे चुके थे। रविवार को उमस भरी गर्मी ने माथे से पसीना टपका दिया। मेहनत कश लोग दिन भर साफी से पसीना पोंछते नजर आए। शाम को अचानक मौसम बदला और तेज हवा चलने के बाद करीब 1 घंटे जमकर बारिश होने से आमजन ने राहत महसूस की। लोग घरों से निकलकर घरों की छतों पर और घर के सामने सड़क पर निकलकर ठंडी हवाओं का आनंद लेने लगे। अनेक जगह ओले भी गिरने के समाचार मिले हैं। बहरहाल रविवार को हुई बरसात से आमजन को फिलहाल गर्मी से सुकून मिल गया है। नौ तपा का पीरियड चल रहा है ना, इस गर्मी में कूलर पंखे एसी सब फेल हो चुके हैं सर। अभी ऐसा लग नहीं रहा कि इससे कोई राहत के कोई बल आम जनता के लिए मिलेंगे। आम जन काफी परेशान है गर्मी, बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो ये बीमारियां जो डिजीज चल रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही है, ब्लैक फंगस है, कोरोना तो चल ही रहा है, येलो फंगस, ऊपर से नौ तपा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। रात दिख नहीं रही है, मतलब कहने का मतलब ये। क्या नाम है आपका? साजन मल्होत्रा। ये गर्मी से आमजन आजकल सभी परेशान है, बीमारी की वजह से वैसे ही लोग परेशान है, राहत है ही नहीं। बाहर तो बिल्कुल राहत नहीं है, घरों में भी बिल्कुल राहत नहीं है। कूलर पंखे सभी चीज़ें जो है फेल हो गई है, और बाहर मार्केट भी बंद है, इससे नई नई सुविधाएं भी जो है हमें मिल नहीं पा रही हैं। तो आमजन काफ़ी परेशान है इन चीज़ों की वजह से। गर्मी से काफ़ी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि घरों के अंदर ही इंसानों का पसीना नहीं रख रहा, ऊपर से लाइट की व्यवस्था भी इतनी नहीं होती है, लाइट चली जाती है, तो काफ़ी समस्या जो है इंसान आमजन झेल रहा है।